लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। यमुनानगर के बिलासपुर से गो तस्करों द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। गो तस्करों द्वारा गायों से भरी महिंद्रा बुलेरो के ककडोनी मोड़ से गुजरने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित कर ककडोनी मोड़ पर जैसे ही नाका लगाने लगी तभी एक महिंद्रा बुलेरो दिखाई दी। पुलिस टीम ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन तभी गाड़ी रुकने की बजाय तस्करों ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और पुलिस जिप्सी को टक्कर मार दी, जिसमें दो पुलिस कर्मियों को चोटें आई है। वहीं एसएचओ ने टीम के साथ हिम्मत दिखाते हुए सड़क से जा रही बाइक को रुकवाकर बाइक से गाड़ी का पीछा किया और रसूलपुर के पास खेतों में गाड़ी पलट गई। वहीं पुलिस ने ड्राइवर और गाड़ी को भी पकड़ लिया। गाड़ी में दो गाय व एक बछड़ा लदा हुआ था, जिसे वध के लिए उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया और आगे मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक मुखबरी मिली थी कि पंजाब की तरफ से यूपी में कुछ गायों को लोड करके वध के लिए ले जा रहे हैं। तो हमने नाकाबंदी ककड़ोनी मोड़ पे शुरू करने वाले थे कि गाड़ी में ही मुलाजिम बैठे थे, उतरने लगे जब उसी टाइम वो गाड़ी आ गई बुलेरो, उसने मुलाजिमों को हमारे को जान से मारने की नीयत से जी हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें दो मुलाजिमों को चोट लगी है। फिर वो गाड़ी जो है पाबनी की तरफ चली गई जी। तो हमने उसको पीछा किया फिर जी। और उस गाड़ी को जीरी के खेत में जब वो पलटी तो उसको वहीं पर काबू कर लिया और ड्राइवर भी काबू कर लिया, उसको हमने केस रजिस्टर कर दिया है जी। और उसको अरेस्ट कर लिया। ये तो पंजाब की पंजाब की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अभी इसका पुलिस मांड भी लेंगे, इसमें देखें कहाँ से ले आएगा, चोरी की है या कैसी है, वो बाद की बात है। इसके बाद खिजराबाद जा रहे थे मैं। हाँ, मेरी गाड़ी रोक की है। ये आपके साथ कैसे हुआ? मैं गाड़ी रोक के नहीं आया, गाड़ी पलट गई, पलटा में चक्कर चमाया। गाड़ी में क्या था आपकी? गैस दो एक बचा। कहाँ जा रहे थे? खिजराबाद जा रहे। नेशनल बस के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रोई की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।